खबर देंगे पंजाब के हवाले से। पंजाब में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शॉपिंग मॉल्स रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मरीज समेत तमाम तफरीही मकामात में दाखिला ममनू कर दिया गया है। फैक्ट्रियां और मंडियां खुली रहेंगी। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का कहना था कि हालात से निमटने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है। शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मरी और दीगर तफरीही मकामात में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। फैक्ट्रियां और मंडियां खुली रहेंगी। वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से तफ्तान में सेंटर कायम करेंगे। 1000 बेड का आरजी फील्ड अस्पताल बनाने की भी तैयारी कर रखी है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। उस्मान बुजदार ने अजम का इजहार किया है कि कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क्यादत एक पेज पर है। इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदाम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अवाम की जिंदगी की हिफाजत के लिए खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।